ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଶକ୍ତି। ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ସାମରିକ ବାହିନୀ। ସାତଟି ଡିଫେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷା ମିଶନ, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର। ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାତଟି ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କାରଖାନା ବୋର୍ଡକୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ 100% ମାଲିକାନା ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଦକ୍ଷତା ଆଣିବ ଏବଂ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ବିଜୟାଦଶମୀ କେ ପାବନ ପର୍ବ ପର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ ବନାନେ କେ ଲିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଜେୟ ବନାନେ କେ ଲିଏ ଯୋ ଲୋକ ଦିନ ରାତ ଖପା ରହେ ହୈଁ ଉନକେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମେଁ ଔର ଅଧିକ ଆଧୁନିକତା ଲାନେ କେ ଲିଏ ଏକ ନଈ ଦିଶା କି ଓର ଚଲନେ କା ଅବସର और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है। निज उद्यम रे देशर प्रतिरक्षा विभाग रे अनेक रिफॉर्म सृष्टि होई छि। सैन्य बल को बढ़ाइबा पई अनेक किछ अपग्रेडेशन करा जाई छि। एही नूतन कंपनी मानकरे अमुनिशन, एक्सप्लोसिव्स, आर्मी व्हीकल रो प्रस्तुति, एडवांस अमुनिशन इक्विपमेंट, सैन्य बल पई दरकार हेउतिबा सामग्री आदि रो निर्माण करा जिवो। भारतर सामरिक अस्त्र तयारी करथिबा कंपनी केवल एक्सपर्टाइज होई न रही बरंग एक बड़ ग्लोबल ब्रांड हेबार आवश्यकता रही बोली संबोधन रे कहिसंती प्रधानमंत्री। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है, बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्युनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिरक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा राष्ट्र मंत्री एवं प्रतिरक्षा शिल्प संगठन प्रतिनिधि मैंने उपस्थित थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान रे देश को विश्व सबुठारु बड़ सैन्य शक्ति करने को लक्ष्य रखा जाइछि बोली एही अवसर रे कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।